हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्वाज आर्ट। आज हम बनाने वाले हैं होममेड एयर ड्राई क्ले। घर पर हम इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं और जो मटेरियल्स अपने घर में अवेलेबल है उसी से हम इसे बनाएंगे। हमारा एयर ड्राई क्ले बन चुका है। जब हम क्ले को पूल करेंगे तो इसका टेयर ड्रॉप बनना चाहिए। ये देखिए हमारा क्ले कितना परफेक्ट बन चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एयर ड्राई क्ले बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 कप कॉर्नफ्लोर। उसी कप से हमने लिया है 1 कप फेविकॉल। अब इसमें डालना है 2 टेबलस्पून विनेगर। आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसका यूज़ प्रिजर्वेशन के लिए होता है। नेक्स्ट हमें डालना है इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल की वजह से क्ले सॉफ्ट बन जाता है। अब हमें डालना है 1 टीस्पून वाइट एक्रेलिक कलर। अगर हम एक्रेलिक कलर यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा क्ले ट्रांसपेरेंट बन जाता है। अब सारे इंग्रेडिएंट को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अभी इसकी कंसिस्टेंसी थीन रहेगी, बाद में हमें इसे कुक करना है। कुकिंग से पहले हमें एक प्लेटफॉर्म को कोल्ड क्रीम लगा के रेडी रखना है। हमने पैन को गैस पर चढ़ा दिया है। हमें गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है और मिक्सचर को हमें कंटिन्यूअसली स्टर करना है। स्टार्टिंग में यह मिक्सचर बहुत स्टिकी रहता है और जैसे जैसे ये कुक होगा वैसे वैसे ये अपनी साइड्स पैन से छोड़ेगा। मिक्सचर अभी थोड़ा सा ठीक होने लगा है, फिर भी हमें इसे कंटिन्यूअसली स्टेयर करना है। लगभग अभी यह कुक हो चुका है और अपनी साइड्स पैन से छोड़ रहा है। इसी स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। पहले हम हाथों पर थोड़ी सी कोल्ड क्रीम अप्लाई कर देंगे और हमारा जो मिक्सचर है उसे हम प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर देंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह प्रोसीजर हमें जब क्ले गर्म रहता है तभी करनी है। मुझे डो थोड़ा सा लूज लग रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर देती। अगर आपको लगता है डो थोड़ा सा लूज है तो आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, और आपको अगर लगता है डो ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा ग्लू ऐड कर दीजिए। अब इसे अच्छी तरह से नीड कर दीजिए। जितने आप अच्छी तरह से नीडिंग करोगे डो उतना ही स्मूथ और फ्लेक्सिबल बनेगा। अब इसकी स्टिकीनेस भी कम हो रही है और ये प्लेटफॉर्म को स्टिक भी नहीं हो रहा है। लगभग हमारा डो रेडी है। दिस इज नाउ रेडी। डो को हम कोल्ड क्रीम या लोशन अप्लाई कर देंगे। वीडियो के एंड में मैंने इसके सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको बता दिए हैं, आप उसे एंड में चेक कर सकते हो। अब देखते हैं इसे स्टोर कैसे करना है। पहले हम इसे सील वाले पैकेट में रख देंगे और पैकेट को अच्छी तरह से सील कर देंगे। पैकेट अच्छी तरह से सील होने के बाद हम इस पैकेट को एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे बाहर भी रख सकते हैं। जब भी आपको क्राफ्ट बनाना है तो आपको जितनी ज़रूरत है उतना क्ले निकाल दीजिए और पैकेट को फिर से सील करके रख दीजिए, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में आने से जल्दी से ड्राई हो जाता है। क्ले अच्छा बना है क्या नहीं इसके लिए एक टेयर ड्रॉप टेस्ट है। जब हम क्ले को पुल करेंगे तो उसका एक टेयर ड्रॉप बन जाता है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा टेयर ड्रॉप बन चुका है। इसका मतलब हमारा क्ले परफेक्ट बन चुका है।
हम क्ले को डायरेक्टली वाइट भी यूज कर सकते हैं और उसमें कलर भी ऐड करके यूज कर सकते हैं। क्ले में हम एक्रेलिक पेंट, चॉक पेंट, वाटर कलर्स, फैब्रिक कलर्स, बहुत सारे कलर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसमें एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा एक्रेलिक कलर मिक्स कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर हमने वाइट से क्राफ्ट बना लिया है तो क्ले को ड्राई होने के बाद भी उसके ऊपर हम एक्रेलिक कलर पेंट कर सकते हैं। क्राफ्ट को ड्राई होने के लिए 20-24 आवर लग जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा थिक है क्राफ्ट तो ज़्यादा टाइम लगेगा और थिन है तो कम टाइम लगेगा। आज मैं आपको क्ले से लीफ का डेमो दिखाने वाली हूँ। जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप क्ले से बनाने वाले हो तो पहले उस प्लेटफॉर्म के ऊपर टैल्कम पाउडर लगाना ज़रूरी है। आज मैं जो लीफ बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने नेचुरल लीफ का यूज़ किया है। इसके लिए मार्केट में डिफरेंट शेप्स के कटर्स भी अवेलेबल है, उसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्ले के ऊपर लीफ को रख के उसे प्रेस कीजिए और जो साइड का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कटर से कट कर दीजिए। और एक बात, क्ले के टू पार्ट जोड़ने के लिए या फिर क्ले को बेस के ऊपर चिपकाने के लिए हमेशा फेविकॉल का यूज़ कीजिए। अब साइड्स को थोड़ा सा स्मूथ कर दीजिए। अब हम लीफ को निकालेंगे। ये देखिए हमारा लीफ कितना सुंदर बन चुका है। क्ले को थोड़ा सा फोल्ड करके एक डिफरेंट लुक भी दे सकते हैं। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैंने सेम प्रोसीजर से एक वाइट लिप बनाया है। अब इसे ड्राई होने के बाद मैं उसे ऊपर से पेंट कर दूंगी। सिर्फ डेमो के लिए मैंने लिप बनाया है, लेकिन आप क्ले का यूज़ करके कई सारे क्राफ्ट बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।